जंग बहादुर जी की एक कचौड़ी है, जो ये खा लेगा ना वो अपनी सारी जंगें जीत जाएगा, ये तो पक्का है। ये बैक टू बैक ना सारा दिन पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है, लोग आते रहते हैं और इनके कचौड़ियों के मजे लेते रहते हैं। हेलो मेरे चटोरो, तो दिल्ली के पूरी पाजी में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो गाइस आज मैं आ गया हूँ चांदनी चौक में, और चांदनी चौक में ना परांठे वाली गली के बस जस्ट अंदर एंटर करते ही ना ये शॉप पड़ती है जंग बहादुर कचौड़ी वालों की। बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़बरदस्त कचौड़ियाँ, पूरे दिल्ली में ना नंबर वन कचौड़ियाँ होती हैं इनकी। बहुत ही खस्ता, करारी, क्रिस्पी, टेस्टी, हल्की सी स्पाइसी, अगर आपको स्पाइसी नहीं चाहिए तो वैसे भी बना देंगे भैया। और दिल्ली आपने ना ये धावा, आपने ऐसी कचौड़ी कभी नहीं खाई होगी। छोटी सी शॉप है, एक बार देखिए, बहुत ही छोटी सी शॉप है, लेकिन इनका जो टेस्ट और क्वालिटी है ना वो बहुत बड़ी है। तो आइए फटाफट से हम भी अपनी प्लेट बनवाते हैं और करते हैं इसका रिव्यू शिव्यू। तो आइए जरा पहले भैया से बात करते हैं। नमस्ते भैया जी। नमस्ते जी। भैया जी पहले अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम लाल बाबू। लाल बाबू जी, जी कितनी पुरानी शॉप है जी ये जेबी कचौड़ी वाला की? सर शॉप 60 साल हो गए इनको। 60 साल हो गए? 60 साल पुरानी है जी। जी आलू की सब्जी है कौन सी? बिना लहसुन प्याज की जी? बिना लहसुन प्याज की। हींग वाली? हाँ जी। और साथ में ये क्या कह रहे हैं, कचालू का? कचालू की चटनी होती है। कचालू की चटनी भी होती है आपके पास? जी। भैया जी जरा एक बार सब्जी चला के दिखा देंगे? हाँ जी। ये देखिए जी इनकी ये खास सब्जी। भैया ये आपकी सब्जी बाकी जो कचौड़ी वालों से इतनी अलग क्यों है? ये क्या क्या डालते हैं आप इसमें? सर जी वही मसाला होता है, अपने हाथों से बनाया जाता है, यार का कोई मसाला नहीं होता। सारा खेल मसालों का है? सारा खेल मसालों का, सारा खेल आपके मसालों का है। हर किसी को वो मसाला वो क्रिएट करना नहीं आता, तभी इतनी जबरदस्त है। और इसके अलावा जरा वो भी चला के दिखाएंगे, चटनी, कचालू की चटनी भी साथ में मिलती है? ये कचालू ये कहीं मैंने नहीं देखी। और ये आलू की चटनी मिलेगी? यही मिलेगी। हाँ जी। और कहीं दिल्ली में कचौड़ी वाले के पास नहीं मिलेगा? हाँ जी, नहीं जी। मिलेगा कचौड़ी, ठीक है। और मैन यही होता है, इसी से लोग खींचे चले आते हैं। इसी से खींचे चले आते हैं। और ये होगी ये कचौड़ियाँ, ये साथ में ये प्लेन कितनी, ये भी अचार है, मसाले में मिला हुआ धनिया मिर्च और अदरक होता है। अच्छा, अदरक है, धनिया है, मिर्च है, सब मिक्स कर रखा है। ये ऊपर डाल के देते हैं, ऊपर डाल, जिससे कि स्वाद 100 गुना और बढ़ जाए आपका। और ये इतने सारा ये बोर्ड पे लगे हुए हैं, ये आपके ये अवार्ड भी मिला हुआ है। ये सारी कटिंग पेपर की है? जी जी। ये गाइस एक बार देख रहे हैं आप, वो जो ऑनर है वो रिसीव कर रहे हैं अवार्ड, जो शेफ है रणबीर बराड़ जी से। और भैया जी एक प्राइस क्या रहता है एक प्लेट का? एक प्लेट का प्राइस 60 रुपया है। 60 रुपए में 2 पीस होता है? 2 पीस आएंगे, ठीक है जी। और ये अब मैंने देखा ये पैकिंग वगैरह भी हो रही है आपकी, ये बॉक्सेज है सामने, पैकिंग का भी सेम प्राइस है या उसका अलग हो जाएगा? सेम प्राइस है जी उसका। अच्छा, सेम प्राइस है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है? कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, बस ये है कि मिनिमम पैकिंग 2 प्लेट है, इससे ज्यादा जितनी मर्जी आप करवा सकते हैं। गाइस मिनिमम पैकेट 2 प्लेट तो होनी ही चाहिए, उससे आप ज्यादा जितनी मर्जी करवा लीजिए। और ये स्विगी जोमेटो सारा कुछ है यहाँ पे? स्विगी जोमेटो, आप स्विगी और जोमेटो पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो भैया जी एक खस्ता करारा या गर्मा गर्म कचौड़ी हमारे लिए एक प्लेट लगा दीजिए। सर पैसे तोड़ के लेंगे या साबुत लेंगे? तोड़ के दे दीजिए। ठीक है सर। गाइस ये क्रश कर दी भैया ने, ये देख रहे हैं पूरी अंदर पीठी भरी हुई है। ये आलू की सब्जी आ गई आपकी, बिना लहसुन प्याज की आलू की सब्जी, ठीक है जी। ये कचालू की चटनी, ये कचालू की सब्जी, ये भैया कहीं पे भी नहीं हमने देखी, कचौड़ी के साथ काम करते हुए यही मिलेगा। और ये धनिया मिर्ची, धनिया अदरक मिर्ची सब मिक्स किया हुआ है जी सर, ये तैयार हो गया सर आपका, शुक्रिया भैया। तो जी ये आ गई जी मेरी कचौड़ी। तो गाइस ये आ गई गर्मा गर्म, पूरा हाथ ना एकदम पूरा जल रहा है, बिल्कुल फ्रेश निकाल के दिए भैया ने। और लोग ना इसी कचौड़ी को दूर दूर से खाने आते हैं, पूरी दिल्ली में ना आपको ऐसी कचौड़ी कहीं नहीं मिलेगी। वैसे तो ना हर एक कचौड़ी वाले अपने में इतने महारत होते हैं उनके, क्या ही कहूँ मैं, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन इनका तरीका ना सबसे खास तरीका है। तो ये जी मैंने बना ली अपनी बाइट और करते हैं इसका टेस्ट।
भाई बहुत ही गजब की, भैया जी बहुत ही गजब की है। ऐसी कचौड़ी वाकई मैंने पहले नहीं खाई, खाई तो बहुत है लेकिन इतनी टेस्टी नहीं खाई। जो भैया ने ना, पहले बता दूं कचौड़ी का टेस्ट बहुत जबरदस्त है, ऊपर से जो सब्जी जो है वो बहुत जबरदस्त है, कचालू का टेस्ट, और ऊपर से इन्होंने जो ये और ये जो अदरक मिर्च प्याज, ये प्याज तो नहीं है ना भैया इसमें, ये अदरक है, मिर्च है, धनिया है, तो उसकी वजह से और जबरदस्त टेस्ट आ रहा है इसमें, बहुत ही क्रंच है। एक बाइट और बनाता हूँ जी, ये देखिए जंग बहादुर जी की ये कचौड़ी है, जो ये खा लेगा ना वो अपनी सारी जंगें जीत जाएगा, ये तो पक्का है। गाइस एक बार ना मेरे पीछे जरा यहाँ का क्राउड देखिए, यहाँ की भीड़ देखिए, ये बैक टू बैक ना सारा दिन पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है, लोग आते रहते हैं और इनके कचौड़ियों के मजे लेते रहते हैं। और ये जो है ना इनकी सब्जी, ये बिना उसके है प्याज और लहसुन के, और इसके अलावा इन्होंने जो इसमें मसाले डाले हुए हैं ना, ऐसे बाकमाल, ऐसे जबरदस्त मसाले, इनके अपने घर के कुटे हुए मसाले हैं, इतनी जबरदस्त कचौड़ी है ना, तो मसालों का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं फटाफट से पहले एक बाइट ले लूं। मुंह में जाते हैं ना, कुटर कुटर कर रहा है, बहुत ही क्रंच है, बहुत ही यम्मी। गाइस अगर मैं रेटिंग की बात करूं ना, वैसे तो मैंने बहुत सी कचौड़ियां खाई हैं, एक से बढ़कर एक कचौड़ी की वीडियो भी बनाई है आपके लिए, और सभी की सभी बहुत अच्छी लगी, लेकिन ऐसी कचौड़ी ना मैंने बाय गॉड अभी तक कहीं पे नहीं खाई, तो 10 में से 10 तो बनते ही हैं। और आपको भी ऐसी कचौड़ी खानी है ना, जब भी आप चांदनी चौक आएँ तो बिल्कुल इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। यहाँ परांठे वाली गली में जैसे ही घुसेंगे ना, किसी से पूछेंगे जंग बहादुर जी की कचौड़ी कहाँ पे मिलेगी, वो आपको बिल्कुल घुसते अंदर एंटर करते इनकी जगह है, बाकी डिस्क्रिप्शन पे दे ही दूंगा, तो फटाफट से ना लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाकी कचौड़े में कचौड़ियों में ना मसाले जो डले हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं, कचालू की जो चटनी है वो टेस्ट को बहुत ही लाजवाब बना रही है, और सब्जी तो क्या ही कहूँ मैं, इतनी सुपर डुपर है, पूरा थम्सअप है मेरा, सुपर थम्सअप है। भैया जी एक बार ना यहाँ की लोकेशन एड्रेस और बता दीजिए। सर शॉप नंबर 1104 मालीवाड़ा चांदनी चौक गली पराठेवाड़ी। ये भी बता दीजिए, जैसे ही आप ये बाहर से परांठे वाली गली में एंटर करते हैं जी, किसी से भी पूछ लेंगे वो जेबी पे आप छोड़ ही देंगे आप। तो गाइस मैं से रुका नहीं जा रहा, मैं फटाफट इसे करता हूँ फिनिश और चलता हूँ नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे आपके लिए एक और नई जबरदस्त वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए सत श्री अकाल, बाय बाय, और हाँ जी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।